वेलकम बैक टू लालिमा नेचर टिप्स। कोलेस्ट्रोल जो ना केवल आपंकर हार्ट समस्या होता है, हार्ट डिजीज बाहर थाए, बल्कि आपंकर ब्रेन स्ट्रोक एवं हाई बीपी भली समस्या भी किसी लोकंर बाहर थाए। तेज आज वीडियो में आपड़ केमी कोलेस्ट्रोल लेवल को अति सहजे कमे पारे से विषय में कथ हाँ। तेज चलत वीडियो को स्टार्ट करवा। जदि नुआ अच्छा चैनल रे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करते विषय जानवा आगर आपड़ कि कारण जानतु जो कहीं कोलेस्ट्रोल जो ही हाई बीपी आ ब्रेन स्ट्रोक भली समस्या होती। देखते गोटे एग्जांपल मुझे जदि आपणक छात पर पानी टांकी अच्छी कूर आपणकर मोटर फिटिंग पाइप कनेक्शन होंकी पर्यंत मन करूँ मझे गोटे चाबी अच्छे चाबीटा को आप बंद करदे आप मोटर को अन् कले मोटर तो पानी पंप हो पानी भी उठू किंतु जाऊँ कौ पर्यंत जो पर्यंत चाबी अच्छी कारण चाबी बंद अच्छी ताऊपर को टांकी पर्यंत पानी उठी पारे तेणु तल भाग जो पाइप रहा तार कौन हम जेहेतु मोटर पंप करुच्ची पा कि से प्रेसर पंप करुच्ची जो थे कि आगुरु भी पंप करुला और आपणक टांगी की पानी उठूला तेणु से ही प्रेसर पाटा जितेबाला आसब कि मझे बंद होपटा धीरे धीरे फाटवाक लगे अत्यधिक प्रेसर पाइना ठीक सेमती जितेबले आपणकर हार्टर सीरा प्रसीरारे कोलेस्ट्रोल जमा हाँ लगे आपणकर जो सीरा प्रसीरारे जी जगह दरकार ब्लड को पंप करने से जगार आपणकर 3/4 कोलेस्ट्रोल जो अलरेडी फिलअप हो सारी आउ केवल 1/4 अच्छी जगह तेणु ये 1/4 जगार केमी आपणकर हार्ट ब्लड को पंप करते कि पंप तो करहा कारण जदि आपणकर हार्ट ब्लड को पंप न कर तेज ऑक्सीजन आपणकर सब अंग प्रत्यंग पर्यंत पहुँची पारे तेणु जितेबले भी हार्ट आपणकर ब्लड को प्रति अंग पर्यंत पहुँचाऊँगी से जिते पंप करुच्ची जगह ना से अधिक प्रेसर दूसरी यही जो प्रेसर बढ़ाटा ही एथर ही हार्ट डिजीज बाहरे तापर भी जितेबले प्रेसर अत्यधिक हुए हाई बीपी रो प्रोब्लेम प्लस ब्रेन स्ट्रोक रो प्रोब्लेम अधिक हुए कारण ब्लड रे आपणकर प्रेसर अधिका थाए तेणु जितेबले आपणकर हाई बीपी रो प्रोब्लेम हो जाए अत्यधिक से ऑटोमेटिक आपणकर ब्रेन स्ट्रोक हबार भी संभावना अच्छी यहाँ मुझे डराऊनी यहाँ हूँ गोटे रियालीटी कारण मुझे देखी यंग एज रे भी महिला हूँ बा पुरुष हूँ से यंग एज रे ब्रेन स्ट्रोक हो तार कारण है हाई बीपी एवं तार कारण है मूलर कोलेस्ट्रोल तेणु आप चिंता करूँ जी यंग एज रे प्रोब्लेम हो पारे तेज जी 50+ एज रे कहीं व्यक्ति मानक न हो तेणु ये जो ब्रेन स्ट्रोक है हाई बीपी है कोलेस्ट्रोल है आपड़ा इजिली कमे पारे घरे रही कि एफर्ट देवा पड़ो। फर्स्ट हूँ रनिंग। रनिंग गोटे बहुत भल एक्सरसाइज कारण देखो जमीती कि मुझे आगुरी भी आपको वीडियो कही फिजिकल एक्टिविटी जब कम थी तेज कोलेस्ट्रोल आपणकर धीरे धीरे जमा आपणकर सीरा प्रसीरारे पूरा फिलअप हो तेणु आपड़ जब फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाऊँच तेज आपणकर कोलेस्ट्रोल लेवलटा जल्दी जल्दी कमे लगे। हाँ आप डाइट फॉलो करेंगे निश्चय डाइट फॉलो करने सहित आप किसी फूड अवॉइड करेंगे किसी फूड आपसईबे निज खाद्य जहाद्वारा कि आपणकर कोलेस्ट्रोल लेवल कमे सहित तो भी जदि आप जो प्रोसेस करेंगे रनिंग है कि स्विमिंग है साइक्लिंग है आपको सब जब आप एफर्ट दे कर तेज बहुत जल्दी आपणकर कोलेस्ट्रोल लेवल कमे लगे जमीती कि मुझे कहली रनिंग कथा ये आप सका सबुदिन खाली पेटर सका उठे तो आप नित्यकर्म सारिकी जगिंग करने को जातु रनिंग अर्थ ना जे आप बहुत जोर दौड़े रनिंग अर्थ है आप धीरे धीरे दौड़े आ द्वारा आपणकर गोड़ एक्सरसाइज होपणकर हार्ट एक्सरसाइज भी होपणकर धीरे धीरे कोलेस्ट्रोल लेवल भी कमे लगे आ सब बेस्ट है जो आपणक बडी जो झाड़ बहब से आपणकर बडी डिटॉक्सिफाई हे जदि आपको डायबिटीज भी अच्छी तेज भी आपणक झाड़ द्वारा जो डिटॉक्सिफाई होती आपणकर सुगर लेवल भी कमे लगे तेणु रनिंगटा हूँ अलमोस्ट गोटे भल एक्सरसाइज कोलेस्ट्रोल भी डायबिटीज भी हाई बीपी पाई भी। नेक्स्ट हूँ आपणकर साइक्लिंग। देखो जदि आप रनिंग करगिंग करे आप साइक्लिंग जब शिखिंट तेज आराम से करूँ साइक्लिंग तो समस्ते शिखुंट आपड़ आराम से करूँ एमती ना जो महिला करें कहीं महिला करें साइक्लिंगटा कौन गोटे खराब कथा कि महिला मैंने भी करूँ। हाँ एति जो आपको सका खाली पेटर ही करने को पड़ो कारण खाली पेटर जहाँ भी आप जो एक्सरसाइज करेंगे से आपको भल बेनिफिट दब तेणु आप साइक्लिंग भी जदि भी रनिंग करे आप साइक्लिंग करें कि जदि आप रनिंग न करते भी आप साइक्लिंग करें अधघंटा करूँ हाँ ठीक अच्छे 20 मिनिट कर हाँ ठीक अच्छे किंतु अफोर्ड देखिए करूँ साइक्लिंग जब करी आप साइकिल पछपटे कैरियर जन को बसईदे तेज आहुरी भी बहुत भल हम कारण आ द्वारा आपणकर
ଗୋଡ଼ର ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବଲ୍ ଜଲ୍ଦି କମିଯିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱିମିଂ। ସ୍ୱିମିଂ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବଲ୍ କମାଇବା ପାଇଁ, ହାଇ ବି ପି କମାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଅଛି ଯେ ସ୍ୱିମିଂଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରନ୍ତିନି ବା ଛୋଟବେଳୁ ସମସ୍ତେ ଶିଖି ନଥାନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ନଈ, ପୋଖରୀ, ସ୍ୱିମିଂ ପୁଲ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ସୁବିଧା ବି ନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ସ୍ୱିମିଂ କରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖ ଆଖରେ ସୁବିଧା ଅଛି ସେମିତି ଯେ ଆପଣ ସ୍ୱିମିଂ କରିପାରିବେ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆପଣ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଶିଖନ୍ତୁ ସ୍ୱିମିଂ, ଏବଂ ସ୍ୱିମିଂକୁ ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ରେଗୁଲାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେବ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବଲ୍ କମାଇବାକୁ। କଞ୍ଚା ରସୁଣ, ହଁ ଏଇଟା ଡାଏଟ୍ ଭିତରେ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ଆପଣ ଡେଲି ମିଲ୍ରେ ଯଦି କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖୁଡ଼ା, ଦୁଇ ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ା ବି ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବଲ୍ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କମିଯିବ। କାରଣ ରସୁଣଟା ଯେଉଁ ରହିଛି, କଞ୍ଚା ରସୁଣ ବିଶେଷ କରି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଭଳି କାମ କରେ। ତେଣୁ ନା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବଲ୍ କମାଇବାରେ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ହେଲ୍ପ କରିବ, ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଥଣ୍ଡା ବି ରହୁଛି ସେଟା ବି ରିମୁଭ୍ କରିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହାଇ ବି ପି ରହୁଛି ସେଟା ବି କଞ୍ଚା ରସୁଣ ରିମୁଭ୍ କରିବ। ତେଣୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଯଦି ଆପଣ କଞ୍ଚା ରସୁଣ ଡେଲି ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ୍ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି। ଯଦି ଆପଣ ଚା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମିଲ୍କ ଟିକୁ ଟୋଟାଲ୍ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହିଁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାରକ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଲେବଲ୍କୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଚା ପିଇବାର ଅଭ୍ୟାସ ବି ରଖିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆଫୋର୍ଡ଼୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି, ଟିକିଏ କଷ୍ଟଲି ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ କାଢ଼ା ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ, ହଳଦୀ ଚା ବନେଇକି ପିଅନ୍ତୁ। ସେଥିରେ କୌଣସି ହାର୍ମଫୁଲ୍ ନୁହଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ିକୁ ବହୁତ ବେନିଫିଟ୍ ବି ଦେବ, ଡିଟକ୍ସିଫାଇ ବି କରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଥିବ ତା ବି କମିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ନାଲି ଚା ହେଲା, କାଢ଼ା ହେଲା, କିମ୍ବା ହଳଦୀ ଚା ହେଲା, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହେଲା, ଆକୁ ହିଁ ପିଇବା ପାଇଁ। ମିଲ୍କ ଟିକୁ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଆଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ବାହାରେ ବି ପିଅନ୍ତୁନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ, ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଡାଏଟ୍ ହେଉ, ଆପଣ ଯଦି ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ତାକୁ 20-30 ଦିନ ରେଗୁଲାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତା'ର ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ଏବଂ ବିନା ଟେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଦୌ କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେକୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେଉ ପଛେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଡକ୍ଟର ଗୋଟେ 2-3 ଦିନରେ ଭଲ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମାସ କିମ୍ବା 6 ମାସର କୋର୍ସ ଦିଆହେଉଛି, ନହେଲେ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମିତି ବି ଯେକୌଣସି ଡାଏଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ହେଉ, ଆପଣ ରେଗୁଲାର ତାକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଏଫର୍ଟ ଦେଇକି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ରେ ତାକୁ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନିତ୍ୟକର୍ମରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ କାମଟା ମୋର ଆଜି କରିବାରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବା ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକୁ ବି କମେଣ୍ଟରେ ମୋତେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।